सो फाइनली गाइस रानी तैयार होते हुए सारे मतलब हड्डियां पुरानी और पट्टियां नई, इसलिए टार्जन की जैसी थी हमारी कार। पहले रिपेयर हो गई, सब मॉडिफिकेशन, सब कुछ काम हो गया, सब कुछ सामान भी टल गया। उसके बाद जो प्लग आता है उसमें दिक्कत आने लगी, जैसे टार्जन मूवी में आता ना उसी तरीके से। तो उसमें कुछ फ्यूल इंजेक्शन कुछ था। Hey guys, this is Jay Sialia. टाइम हो रहा है दोपहर के एक। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, कल दिवाली थी तो आज बीच में एक दिन का गैप पड़ा है, पर फिर भी हमने कपड़े डाल लिए अच्छे वाले, क्योंकि कल नहीं डाल पाए थे जैकेट वगैरह। सो हाँ, क्योंकि कल काम था ना इसलिए। और अभी भी जाना है, पापा गैरेज पे ही थे तो वापस आ रहे हैं। सो उनको लेने के लिए मैं जाता हूँ। और उससे पहले मतलब फटाके फूट रहे थे कल रात को, पूरी रात सुबह तक फटाके फूटे। और रात ने अपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा जो सीन, धुआं ही धुआं, मतलब नखरा, मतलब सारा धुआं ही धुआं था। मतलब फटाके की वजह से रोड पे कुछ दिख ही नहीं रहा था और रोड के बीच में फटाके फूट रहे थे। भाई साहब, ये 2 साल के बाद दिवाली का मतलब पूरा मजा लिया जा रहा था। सो देखो अभी का आउटफिट कुछ ऐसा है, ऊपर डेनिम जैकेट है, वाइट टी शर्ट है अपनी नॉर्मल, और पैंट पहनी है मैंने। ये मैंने फोल्ड करने के लिए चाहा पर बहुत टाइट है ना जैकेट, इसलिए नहीं हो पाया। और जैकेट से बात याद आई, जैकेट और हुडी, अब अभी आपको मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो देखने के लिए मिलती ही रहेगी एक ना एक दिन, हर रोज में पहनेंगे, पर हाँ कभी ना कभी तो पहनते रहेंगे क्योंकि जैकेट वगैरह। तो अभी जाते हैं पापा को लेने के लिए, रास्ते में वो आ रहे हैं इसलिए फ़ोन लग गया मेरा साइड में। सो क्लीन से वाले मुंडे निकल चुके हैं, मतलब कुछ अजीब सा ही लग रहा हूँ ना, घर पर भी ऐसे ही बोलने से अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पहली बार किया ना इसलिए। पर अभी रखेंगे थोड़ा बहुत, शौक तो मुझे भी पूरी आएगी तब, अभी तो हम छोटे हैं ना इसलिए। सो जल्दी से चलते हैं, वो बाइक को और भी निकालना है। सो सब आपको अभी नहीं दिखा था क्योंकि पापा को लेने जाने वो रास्ते में आ रहे हैं। सो जल्दी से जाते हैं हम। सो देखो सारे रास्ते पे मतलब फटाके की कागज है, और बाइक को मतलब ढक के रखने का फायदा है कि वो गंदी नहीं होती, देखो एकदम मस्त चमक रही है। और पापा सामने खड़े हैं, पापा को लेते और चलते हैं। आ गए, जा गए घर पर, अभी अपना लंच वंच करते हैं और पापा फिर से जाएंगे वहाँ पे, और शाम तक गाड़ी फाइनली रिपेयर करवा के आ जाएंगे। सो गाइस अभी है दाल ढुकली चावल और एक कल की लापसी रात की, मतलब देखो अभी इसका बनाता हूँ। सो गाइस अभी तो लंच वगैरह हो गया, अभी जाते बाइक रिपेयर करवाने वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ही काम बाकी है तो वहाँ पर रहेंगे तो जल्दी होगा, तो इसलिए पापा बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े खड़े ही सब कुछ काम करवा देंगे साथ में। तो चलते अभी। तो गाइस देखो हो रही अपनी बाइक जो कि रिपेयर हो रही है यहाँ पे। तो हमें भी आ गया साथ में यहाँ पे, वैसे घर पे कुछ काम था नहीं तो सोचा चले जाते हैं, देखते हैं क्या क्या काम हो रहा, अभी तो थोड़ा सा ही बाकी है, पर हाँ जब तक होता है तब तक वेट करते हैं, वरना अगर ऐसा बोरिंग लगेगा तो घर पर चले जाएंगे। तो गाइस देखो इसमें से इतना कचरा निकल रहा है, मतलब सिर्फ इसमें से। अभी ऑलमोस्ट 2:45 होने वाले हैं, मैं तो घर पे आ गया, कुछ काम था नहीं तो। सो अभी जस्ट घर पे पहुंचने वाले और आराम करते हैं, ऐसे ही बैठा बैठा तो कुछ काम किए भी नहीं, पर अभी घर पे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था नहीं मेरा। एक बार बाइक आ जाती है उसके बाद दिखाऊंगा आपको जो भी नया सामान, एकदम नई हो गई है बाइक, अभी पुरानी है पर नहीं हो गई ऐसा है। और अभी घर पे चलते हैं, आज मुझे हेयर ऑयल भी करना था अच्छे से, पर देखते हैं अभी टाइम मिलता है तो करेंगे, वरना और डबल जैकेट में भाई इतनी ठंड में भी गर्मी लगती है, मतलब अभी तो ठंडा हो गया, अभी इतनी गर्मी नहीं लगती फिर भी गर्मी लगती। तो गाइस घर पर तो आ गए थे, कब के बैठे पर भूख लगे तो नाश्ता करते हैं। देखो ये वाले हैं पिज़्ज़ा खाखरा, ये वाले हैं जीरा खाखरा, और ये है जीरा पूरी, शक्कर पारा, ये सब, और ये मुरमुरे यानी कि ममरा, और जो मैं लापसी का बता रहा था वो ये रहा देखो, ये जो कि होता है दिवाली के दिन बनाते हैं, मतलब वो मानसून का लास्ट डे होता है और विंटर का पहला दिन, मतलब रात को बनाते हैं। सो दूसरे दिन खाते तो ऐसा बोलते हैं विंटर की लापसी मानसून के दिन खाएंगे, ऐसा 1 साल के बाद ऐसा सबको लगता है, पर एक दिन का वहाँ से जो लिखा है ऐसा कि उसके बाद से असली विंटर स्टार्ट होता है दिवाली के बाद ऐसा, इसलिए अगर समझ आया तो समझ जाओ वरना ऐसे ही बता रहा हो तो याद रख लो। तो गाइस अभी 5 बज रहे और बालों को देख के आपको पता चल गया होगा जो हेयर ऑयल बोला था हो गया अपना, पर हाँ मतलब 4:30 बजे सूर्य ग्रहण जो कि होने वाला था तो आई थिंक हो गया होगा, पर धूप तो इतनी सारी दिख रही है
पता नहीं, अंधेरा तो कुछ हुआ नहीं इतना सा, और 5 बज गए, 4:30 बजे का टाइम था। सो पता नहीं कौन सी जगह पे दिखेगा नहीं दिखेगा ऐसा। वैसे मैं वापस जा रहा हूँ पापा के पास गैरेज पे, मतलब वो बाइक वहाँ पे ठीक हो रही है, तो आगे के जम्पर वगैरह भी ठीक हो रहे हैं। बहुत सारा, मतलब बहुत साल के बाद बाइक खुल रही है, तो बहुत सारा कचरा निकल रहा है। आज का पूरा ब्लॉग तो ऐसे ही हो गया, घर से गैरेज, गैरेज से घर, और कुछ शूट नहीं कर पाया, बस बाइक आ जाए आज। सो गाइस, बाइक तो ऑलमोस्ट रिपेयर हो गई हमारी, और मैं अभी घर पे आया हूँ इसलिए, क्योंकि अभी बाइक रख के मैं वापस चल के जाऊँगा वहाँ पे, और वहाँ से बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे और वो वाली बाइक लेके आएंगे। आई होप कि अभी बंद ना हो जाए, क्योंकि स्टार्ट तो हो गई है बाइक, अभी स्टार्ट करके लेंगे जाए थोड़ा सा, और बाद में स्टार्ट भी हुई थी, अभी देखते हैं। सो गाइस, मैं तो चलता जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो अभी भी फटाके फूट रहे हैं। तो हाँ, फटाके फूटते रहेंगे, हम चलते हैं अभी, क्योंकि अभी पहुंचने वाले ऑलमोस्ट। सो फाइनली गाइस, रानी तैयार होते हुए, सारे मतलब हड्डियाँ पुरानी और पट्टियाँ नई। तो हाँ, रानी वॉश होते हुए यहाँ पे। सो गाइस, बाइक ना धो के भी रेडी एकदम, और पापा जा रहे हैं उधर। सो फाइनली अपनी बाइक रेडी हुई है पापा के लिए, मतलब हम भी चलाएँगे, पर फिर भी हेड लाइट मारे तो कुछ ऐसी दिखती है। सो गाइस, चमक रही है ना अपनी बाइक मस्त। सो हाथ धो के भी रेडी हो गई एकदम, और अभी पोछ रहे ताकि एकदम साफ हो जाए, गीला ना हो इसलिए। सो कल आपको मस्त अच्छे से दिखाएंगे, अभी तो रात में दिखेगी नहीं अच्छे से, ऐसे ही देख लो। फाइनली अपनी जो भी बोलो मॉडिफिकेशन बोलो, अपनी बाइक का 2.0 बोलो, जो भी हो, अभी रेडी हो चुकी है अपनी बाइक, जो कि ये रही। सो मतलब पापा को सीखने के लिए और यहाँ पे नज़दीक में चलाने के लिए रेडी हो गई। तो फाइनली गाइस, अपनी पुरानी वाली बाइक लेके चल दिए, और पहले तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मतलब मैं पेट्रोल लेने गया, कॉक वगैरह बदलाया, पर स्टार्ट ही नहीं हुई थी, अभी स्टार्ट भी हो गई और चलने भी लगी। तो अभी चलते हैं घर पे, और मेरे मुँह में नोट था 10 का, इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा था, हाथ में जगह नहीं है पकड़ने के लिए। सो अभी चलते हैं अभी घर पे, और बाइक भी रेडी हो गई अपनी, देखो एकदम। हाँ गाइज, अपनी बाइक फाइनली रिपेयर हो चुकी है, पर हाँ कलर वगैरह हमने नहीं कराया, क्योंकि यहीं पे चलानी है, यहीं पे सीखनी है, इसलिए टार्जन की जैसी थी हमारी कार, पहले रिपेयर हो गई, सब मॉडिफिकेशन, सब कुछ काम हो गया, सब कुछ सामान भी डल गया, उसके बाद जो प्लग आता है उसमें दिक्कत आने लगी, जैसे टार्जन मूवी में आता ना उसी तरीके से, वो उसमें कुछ फ्यूल इंजेक्शन कुछ था, इसमें हमारा प्लग नहीं हो रहा था ठीक से, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बाद में फाइनली स्टार्ट हुई और हम लेके आ गए। पर हाँ, वो पुरानी बाइक होती है उसका मज़ा अलग होता है भाई, क्योंकि वो दादा की बाइक थी, दादा ने हमें चलाने के लिए दी, मज़ा आया। अभी हमने रिपेयर करवा के एकदम मस्त कर दिया। सो गाइस देखो, अभी यहाँ पे बन रहा है मंचूरियन हमारे घर पे। सो आ देखो, ये कोरी गोटी बन चुकी है, कैप्सिकम कटिंग होके सब कुछ हुए, और सूप भी बन चुका है, पर फ्राई वाई करते और खाना खाते, और बाहर फटाके फूटे ही जा रहे हैं, हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। सो गाइस, मंचूरियन रेडी है, साथ में मतलब एक कोरी गोटी भी, साथ में सॉस, मंचाव सूप भी, और आज वो सेव लाने भूल गए। सो अभी डिनर करते हैं और बाद में बाइक सीखने जाते हैं। सो आ गाइस, आए अभी नीचे, बाइक वाइक चलाते हैं, और इस वीडियो को अभी यहीं पेंट कर देते हैं। ज़्यादा पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। आ देखो यहाँ पे सीट वो खुला सीट कर रहे हैं अभी। तो गाइस, बादशाह गाड़ी चलाते हुए, तो देखो नई गाड़ी रिपेयर हुई और स्टार्ट, ज़्यादा चलो इस तरफ लो, टर्न मारो।